हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द थिंग, ये मूवी जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का एक सीक्वल भी है जो 1982 में आया हुआ था। स्टोरी वाइज देखा जाए तो 2011 का पार्ट पहले आता है, इसीलिए मैंने पहले इसे अपलोड किया है। थोड़ी देर के बाद मैं वो पार्ट भी अपलोड करने वाली हूँ, तो उन दोनों वीडियोज को देखना ना भूले। कहानी शुरू होती है 1982 में अंटार्कटिका के विंटर सीजन में, जहाँ पे तीन नॉर्वेनियन साइंटिस्ट घने बर्फ में किसी सिग्नल का पीछा करते हुए अपने स्नो कैट में उन्हें जाते हुए हम देखते हैं। एक जगह पे आने के बाद इनके सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत ही तेज होता है और तभी अचानक से वहाँ के बर्फ धस जाने के कारण इनकी स्नो कैट एक बर्फ के क्रैक में फंस जाती है। कैसे तैसे बचते हुए जब ये गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं, तब उन्हें एक चौंका देने वाली डिस्कवरी होती है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप थी। अब आगे ये लोग हेल्प के लिए बुलाते हैं, इन तीनों को भी रेस्क्यू किया जाता है। ये तीनों भी साइंटिस्ट अंटार्कटिका में नॉर्वे का जो रिसर्च सेंटर है उससे बिलोंग करते थे। ये रिसर्च सेंटर नॉर्वे एंड रशिया के बॉर्डर पे आता था, इसीलिए रिसर्च सेंटर में दोनों देशों के लोग थे। अब रिसर्च सेंटर के सीनियर डॉक्टर सेंडर को ये सारी न्यूज बता दी जाती है। शिप के आसपास और भी रहस्यमय चीजें मिली रहती है जो कि स्टडी करने के लिए इन्हें एक पैलियंटोलॉजिस्ट की जरूरत थी, इसीलिए ये लोग केट को अप्रोच करते हैं जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही थी। अगले ही दिन उन्हें सेंटर में रवाना किया जाता है। उसके साथ दूसरा साइंटिस्ट एडम, पायलट जेम्स, को पायलट ग्रीक, ये सब लोग हेलीकॉप्टर से धुलैया ने उस रिसर्च सेंटर में रवाना होते हैं। कैंप साइट पे पहुंचते ही डॉक्टर सैंडर, केट और एडम तीनों भी वक्त जाया ना करते हुए साइट पे पहुंचते हैं जहां पे उन्हें स्पेसशिप मिली थी। वहां पे उनकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडवर्ड और उनके टीममेट जूलियट और कार्ल से होती है। अब साइट पे काफी अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप मिलता है और बस ऊपर का हिस्सा ही इन्हें दिख रहा था। अब ये लोग बाहर आने के बाद डॉक्टर केट को कुछ और डिस्टेंस पे एक अजीब चीज दिखाने के लिए ले जाते हैं। वहां पे बर्फ के नीचे उन्हें एक क्रीचर दिखाई देता है। अगर जिंदा होता तो शायद एक झटके में ही इस पूरे टीम को मार गिराता। शाम के इनके डिस्कशन में ये डिसाइड होता है कि उस क्रीचर को उन्हें बर्फ के साथ ही बाहर लाना है, उसके ऊपर ऑटोप्सी और बाकी रिसर्च करनी है कि ये कहाँ से है, कब अर्थ पे लैंड हुआ होगा और ये डिस्कवरी शायद दुनिया के सामने लानी है। अब अगला दिन आता है और बिना वक्त जाया किए काफी केयरफुली ये लोग उस क्रीचर को बर्फ के साथ ही उसे अपने रिसर्च सेंटर में लाते हैं और एक वुडन कमरे में उसे रखा जाता है। वो क्रीचर देखने के लिए बहुत ही भयानक और बड़ा रहता है, जिसके काफी सारे टेंटिकल्स और नुकीले हाथ होते हैं। इन्हें ये तो समझ आ गया था कि ये एक एलियन है और अर्थ से बिलोंग नहीं करता। अब डॉक्टर सैंडर को इस क्रीचर के बॉडी का एक टिश्यू चाहिए था स्टडी करने के लिए, लेकिन केट रेडी नहीं होती क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार पहले स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होनी चाहिए, यानी ये क्रीचर एक अलग दुनिया से है, फिर हमारे एनवायरमेंट पे कैसे बिहेव करेगा, या फिर इस क्रीचर से हमें इंसानों को कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होगा। इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और अगर ये सेफ होगा तो ही आगे इसके टिश्यूज की स्टडी होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सैंडर उसी को ही डांट देते हैं, ये मेरा रिसर्च सेंटर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। और अब ना चाहते हुए भी केट को चुप रहना पड़ता है। शाम को ये लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल से उस क्रीचर के शरीर से एक स्मॉल पीस निकालते हैं, लेकिन ये सारे लोग एक बात से अनजान रहते हैं कि अभी वो बर्फ नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ गया था, इसीलिए वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और हम उस क्रीचर की हलचल देखते हैं, लेकिन इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता। रात को जब जेम्स उस क्रीचर के रूम में जाता है, उसे देखने के लिए काफी खतरनाक दिख रहा था, उसे रियलाइज होता है कि बर्फ पिघल रही है। यही बात वो सबको बताने के लिए जाता है कि वो क्रीचर इस रूम से भाग गया था। सब लोग अभी रिसर्च सेंटर के बाहर आके उस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं और उसी में उन्हें कार्ल का जो डॉग रहता है वो अधमरे हालत में दिखता है। तभी हेनरी और ओलाव को एक कबर्ड के नीचे बहुत ही अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। ये देख के हेनरी ओलाव को कहता है कि इसे गन से फायर कर दो, मारो जल्दी से। लेकिन देखते ही देखते वो क्रीचर अपनी बड़ी सी टेंटिकल उठाता है और हेनरी के शरीर के आर पार डाल के उसे मार देता है और अचानक से ओलाव के चेहरे पे खून के छींटे गिर जाते हैं। ओलाव सारे लोगों को वहाँ पे बुलाता है, तभी फायर गन से उस क्रीचर को वहीं पे मार दिया जाता है। अब इस हादसे के कारण सब लोग काफी डिस्टर्ब और दुखी थे क्योंकि उनके बीच में उनका दोस्त हेनरी नहीं था। लेकिन डॉक्टर सेंडर यही पे चुप नहीं रहते, उन्हें अब उस जलाए हुए क्रीचर की ऑटोप्सी करनी थी। अब ना चाहते हुए भी केट को उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं और उस बड़े से क्रीचर की ऑटोप्सी शुरू करते हैं। हेनरी का शरीर उस क्रीचर के अंदर घुसा हुआ था। ऑटोप्सी के दौरान उन्हें काफी अजीब चीजें दिखाई देती है। हेनरी के चेहरे की स्किन भी नई डेवलप्ड हुई थी। ये देख के सब लोग हैरान होते हैं। इसी दरमियान केट को उस क्रीचर के शरीर से एक रॉड मिलता है। वो रॉड लेके वो आसपास के कलीग्स को पूछती कि ये किसका था, तो उसे पता चलता है कि हेनरी का हाथ कभी तो फ्रैक्चर हुआ था और उसे स्टेबल करने के लिए वो रॉड उसके हाथ के अंदर डाला हुआ था। लेकिन केट काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सवाल ये था कि जो रॉड
रॉड हेनरी के शरीर के अंदर था, वो उसके शरीर से बाहर आके उस क्रीचर के शरीर के अंदर कैसे गया। उसी में केट और एडम उस क्रीचर के कुछ सेल्स लेते हैं और उसपे स्टडी करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर तो मरा हुआ है, लेकिन उसके जो सेल्स है वो अभी भी जिंदा है और वो हेनरी के सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे वो खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में ये संख्या बढ़ रही है। यानी देखते ही देखते हेनरी के रूप में शायद वो क्रीचर वापस जिंदा हो सकता है और वो काफी डर जाती है क्योंकि उसने ऐसा म्यूटेशन कभी भी देखा नहीं था। यहाँ पे ओलाव की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सब लोग डिसाइड करते हैं कि ओलाव को रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, इसीलिए उसे हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं अगले दिन। इसीलिए कार्टर, जेनसन, जीन्स और ओलाव ये चारों निकल जाते हैं। यहाँ पे केट काफी थक गई थी, इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए जाती है बाथरूम, तो उसे वहाँ डेंटल फिलिंग्स गिरी हुई दिखाई देती है, यानी हम जो मेटल के जूठे दांत लगाते हैं वो। बाथरूम का वो पर्दा साइड में करती है तो वहाँ पे पूरा खून रहता है। ये देख के उसे रियलाइज होता है जब वो क्रीचर म्यूटेशन कर रहा होता है तब वो किसी भी नॉन ऑर्गेनिक चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकता, जैसे कि ये मेटल टूथ या फिर हेनरी का वो रॉड, उन्हें वो कंज्यूम नहीं कर सकता। बाथरूम में ग्रीक्स, ओलाव और कार्टर इनमें से ही कोई आया हुआ था जो अभी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे हैं, इसीलिए केट दौड़ के बाहर जाती है और कार्टर को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम ग्रीक को देखते हैं, देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा बीच में से फट जाता है और अचानक से एक अजीब सा क्रीचर उसके चेहरे से बाहर निकलता है और साइड में बैठे बीमार ओलाव पे वो हमला कर बैठता है। इसी के कारण हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किसी माउंटेन में जाके क्रैश हो जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ओलाव के अलावा उस मेन क्रीचर ने टीम के बाकी मेंबर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया था और इस क्रीचर के सेल एज अ पैरासाइट की तरह काम करते हैं और विक्टिम की बॉडी को इमिटेट्स करने लगता है। अब इस हादसे के बाद केट काफी दुखी हैरान थी और वो बाथरूम में वापस आती है तो वहाँ भी इतना सारा जो खून था वो किसी ने ऑलरेडी साफ कर दिया था, यानी कि रिसर्च सेंटर में और भी कोई था जो इन्फेक्टेड था। अब इसके बाद ये सारी हकीकत वो टीममेट्स को बता देती है। ये सुन के सब लोग डर जाते हैं और सबको बस यहाँ से भागना था, लेकिन केट सबको रोकती है और इसका इम्पैक्ट बताती है कि अगर हम में से कोई भी इन्फेक्टेड है वो अगर बाहर गया तो बाहर की पूरी दुनिया एक एक करके इन्फेक्ट हो सकती है, जिसके कारण कोई भी इंसान बचेगा ही नहीं धरती पे। इसीलिए उस क्रीचर और उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय किए बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तभी जूलिया अकेले में केट को बताती है कि शायद इन्फेक्टेड इंसान लैरी ही है, उसी ने वो खून साफ किया होगा। लेकिन तभी बात करते करते ही अचानक से जूलिया का शरीर एक क्रीचर में बदलने लगता है और हैरान होने वाली बात ये कि ये जो क्रीचर बनता है वो पहले वाले जितने भी क्रीचर थे उनसे बिल्कुल अलग था, इसका पूरा म्यूटेशन ही अलग था। लेकिन केट वहाँ से बच के भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तब बीच में काल आता है, वो पूछता कि अरे क्या हुआ, लेकिन इसी गड़बड़ी में वो क्रीचर आता है और काल को मार देता है। लेकिन तभी लार्स बाहर आता है और फायर गन से उस क्रीचर को जलाने की कोशिश करता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात पता चलती है कि वो जो क्रीचर रहता है वो क्वाइट सेल्फ अवेयर रहता है, बाहर की सिचुएशन में क्या चल रहा है वो उसे पता रहता है, इसीलिए खुद को बचाने की वो हर तरह से कोशिश करता है। जब किट सबको बुला के कहती है कि हम में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड है, तभी जूलियट के अंदर जो क्रीचर था उसे पता चल जाता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जूलियट का जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है वो सबसे पहले किट को मारने की कोशिश करता है। हर एक इंसान के लिए म्यूटेशन अलग अलग होता है। वैसे देखा जाए तो जूलियट कब इन्फेक्ट हुई ये तो बताया नहीं गया है, लेकिन इस तरीके से तो ग्रुप के और मेंबर्स भी इन्फेक्टेड होने की आशंका थी। इसीलिए केट सबके ब्लड सैंपल लेके उन्हें टेस्ट करने का सुझाव देती है। डॉक्टर सैड और एडम्स सबके ब्लड सैंपल की टेस्ट करने वाले थे। यहाँ पे केट लार्स के साथ जब बाहर गई थी तब लार्स उसे एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे एक डायनामाइट का पूरा डिब्बा था, यानी ये एक इशारा था कि अगर चीजें गलत हुई तो इस पूरे सेंटर को हमें उड़ाना है ताकि वो वायरस बाहर की दुनिया में ना जा सके। उसी रात और एक अजीब चीज होती है, कार्टर और जेमसन जो उस हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में सपोजिबली मारे गए थे वो वापस लौट आते हैं कैंप में। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को भी अलग रखा जाए बाकी लोगों से और रिसर्च सेंटर के बाहर एक कमरा होता है वहाँ पे लॉक करते हैं। जब उन्हें लॉक करने के बाद अंदर आ रहे थे तभी रिसर्च सेंटर में अचानक से आग लग गई थी, जहाँ पे ब्लड टेस्टिंग होने वाली थी वहाँ पे अचानक से आग लग गई थी। काम उसी का था जो इन्फेक्टेड है और ये नहीं चाहता कि उसके ब्लड की टेस्टिंग हो, लेकिन केट इन सबका झगड़ा रोकती है।
है और वो एक और तरीका निकालती है पता लगाने का कि कौन कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। जिनके भी दांतों में मेटल फीलिंग होगी वो लोग डेफिनेटली इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि उस एलियन क्रिएचर के सेल्स किसी भी बाहर नॉन ऑर्गेनिक चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए जो भी मेटल का टूथ यूज कर रहे हैं वो नॉन इन्फेक्टेड है। ऐसे करते हुए केड और कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सैंडर, एडवर्ड, एडम और कोलिन के दांतों में कोई भी मेटल फीलिंग नहीं थी, यानी चांसेस है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए इन चारों लोगों को अलग रखा जाता है। केट, लार्स और जोनास को कार्टर और जेम्सन, जिनको अलग कमरे में बंद करके रखा था, उनको भी इस कमरे में लाने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी भी डेंटल फीलिंग चेक करनी थी। लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कार्टर और जेम्सन ऑलरेडी वहां से भाग गए थे। जब लार्स अंदर जाता है कमरे में चेक करने के लिए, तब अचानक से कोई उसे अंदर खींच लेता है। जोनास ये देख के काफी डर जाता है और वो सबको लार्स के बारे में बताता है। लेकिन तभी कार्टर और जेम्सन, जिन्हें आइसोलेटेड रूम में कैद कर दिया था, वो अचानक से रिसर्च सेंटर में पीछे के दरवाजे से चले आते हैं। पेंडर अपने फायर गन से उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में जेम्सन उसकी गोली मार के हत्या करता है। अब उसके पास फायर गन रहती है और उसके टैंक को बंदूक की गोली लगने के कारण वहां पे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और उसी में अचानक से एडवर्ड बेहोश हो जाता है। उसे जोनास और उसका साथी मेन रूम में लेके आते हैं, लेकिन अचानक से एडवर्ड का हाथ अलग होके जोनास के हाथ में आता है। वो हाथ काफी अजीब था, जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं वैसे उसको काफी सारे रूट्स थे, और देखते देखते उसके ये रूट्स जोनास का चेहरा पकड़ के उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। एडवर्ड का क्रिएचर भी म्यूटेट होके काफी अजीब हो गया था, जिसको चार पैर थे और उसके पेट से काफी सारे टेंटिकल्स निकल के रूम के लोगों को मारने लगती है, और इसी बीच में एडवर्ड का एलियन जेम्स को मार देता है। एडम जब भागने की कोशिश करता है, तब वो क्रिएचर एडम के शरीर को झपट लेता है और देखते ही देखते दोनों के शरीर का एक म्यूटेशन होता है, जिसके कारण उस क्रिएचर को दो मुंह आ जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इस एलियन क्रिएचर के जो सेल रहते हैं वो म्यूटेशन में इतने फास्ट होते हैं कि कुछ ही सेकंड में वो सेल खुद को रेप्लिकेट करके एक अलग ही शेप दे देता है, और हर बार इन्फेक्ट करने पर उसका शेप अलग हो जाता है। तभी वहां पर केट फायर गन लाके उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेट होने के बाद वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। फिर वो वापस रूम में आके जोनास और जेम्स, जो म्यूटेट होके अलग क्रिएचर में बदलने वाले थे, उन्हें जला देती है। ये सारी चीजें जब चल रही थी, तब जिसके कारण ये सब कुछ शुरू हुआ, वो डॉक्टर सैंडर दूसरे रूम में जाके छुप जाते हैं। लेकिन एडवर्ड के एलियन क्रिएचर को उसकी भनक लग जाती है और वो उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। अब बचे हुए सिर्फ कार्टर और केट रहती है और उस क्रिएचर को वो ढूंढ रही थी। वो दोनों भी उसी रूम में जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर थे पहले। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी केट वहां पे आती है और फायर थ्रोवर से उसे जलाती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो क्रिएचर, उसके सेल्स काफी स्मार्ट रहते हैं। खतरा दिखते ही कैसे भी उस क्रिएचर को अपनी जान बचानी रहती है, इसीलिए वो लिटरली दीवार तोड़ के बाहर चला जाता है बर्फ में। लेकिन केट उसका पीछा छोड़ती नहीं है और उसे तब तक चलाती है जब तक वो मरता नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर सैंडर इन्फेक्टेड रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर सैंडर वहाँ का स्नो कैट लेते हैं। वो सीधा उसी साइड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एलियन का स्पेसशिप मिला था, और अंदर जाते ही वो स्पेसशिप चालू करने लगते हैं। तब तक केट एंड कार्टर भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उस शिप के इंजिन इग्नाइट होने लगते हैं, लेकिन केट उन्हीं डोर से नीचे गिर के स्पेसशिप के अंदर चली आती है। लेकिन तभी डॉक्टर सैंडर का जो एलियन क्रिएचर रहता है वो उस पे हमला करने ही आता है, लेकिन तभी केट वहां से भाग जाती है और छुपने की कोशिश करती है। वो ग्रेनेड से शिप को उड़ाने वाली थी, लेकिन वो ग्रेनेड भी कहीं पे गिर जाता है। इस क्रिएचर के भी काफी सारे टेंटिकल्स रहते हैं, जिससे वो केट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन के टेंटिकल्स वहां तक नहीं पहुंचते, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। इसीलिए वो नीचे झुकती है ग्रेनेड लेने के लिए, लेकिन तभी वो एलियन क्रिएचर पीछे से सारी चीजें तोड़ते हुए उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी केट वो ग्रेनेड लेती है और पीछे मुड़ के उस क्रिएचर के मुंह में डाल देती है। तब तक कार्टर भी वहां पे आता है और केट की मदद करता है, और दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। और देखते ही देखते शिप में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें वो क्रिएचर तो मारा जाता ही है, लेकिन ये शिप भी खराब होती है। अब आखिर में केट एंड कार्टर बचे हुए थे। कार्टर स्नो कैट चालू करने जाता है, लेकिन केट को वो कहता है कि तुम्हारी फायर गन बैक साइड पे रख दो, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन केट अचानक से रुकती है एंड कहती है, तुम जब आइसोलेटेड रूम से वापस सेंटर में आए थे, तब मुझे पता था कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कान में मेटल की इयररिंग्स थी, लेकिन अब वो तुमने नहीं पहनी है। लेकिन कार्टर हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैंने इस कान में पहनी है, और वो मेटल की इयररिंग उसे दिखाता है। लेकिन केट कहती है, नहीं, ये इयररिंग तुमने दूसरे कान में पहनी थी। और वो सीधा फायर गन निकालती है और उसे जला देती है। और दोस्तों, जैसे ही वो उसे जलाती है, उस एलियन क्रिएचर के सेल की अजीब सी चीखें हम सुन पाते हैं, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड था। और इस चीज से समझ आता है कैसे उस एलियन क्रिएचर के सेल्स बाहर क्या चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करके उसी तरह
बिहेव करता था, यानी कि केट ने कहा था कि कोई भी मेटल की चीज वो क्रीचर नहीं ले सकता, तो इसीलिए जानबूझ के इस बार वो मेटल की इयररिंग रखता है ताकि केट को दिखा सके, यानी कि वो एलियन क्रीचर के जो सेंस रहते हैं वो इतने एडवांस रहते हैं कि उसमें सेल्यूलर मेमोरी होती है, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट, वहां की चीजें सुन के देख के उस तरह वो मेमोरी सेव करके वैसे बिहेव करता था। सो बैक टू स्टोरी, कार्टर जब रूम में था तभी इन्फेक्ट हुआ था, एडवर्ड के क्रीचर ने उस पे हमला किया था, उस क्रीचर की एक बूंद भी अगर अपने शरीर पे भी गिरी तो भी वो इंसान इन्फेक्ट हो जाता है और म्यूटेट होने लगता है, लेकिन केट इतनी स्मार्ट रहती है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी सारी चीजें वो पहचान जाती है और उसको भी जला देती है। फिर केट डॉक्टर सैंडर ने लाई हुई स्नो कैट में बैठती है और पास के ही रशियन रिसर्च सेंटर में जाने के लिए निकलती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं यहाँ पे इनके रिसर्च सेंटर में एक हेलीकॉप्टर उतरता है जो कि कॉलिंस ने ही बुलाया हुआ था। हम कॉलिंस की लाश कमांड सेंटर में पड़ी हुई देखते हैं, उसने खुद का ही गला काट दिया था ताकि वो क्रीचर उस पे हमला ना करे, लेकिन मरने से पहले उसने हेलीकॉप्टर बुलाया था। पायलट जैसे ही बाहर आता है और वो आसपास जोरों से चिल्लाने लगता है कि क्या कोई है इस कैंप में, लेकिन तभी बंदूक ताने लार्स वहां पे आ जाता है, यानी कि लार्स जिंदा था। बाहर आके सबसे पहले तो वो पायलट के डेंटल फीलिंग्स चेक करता है, लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है, लार्स का डॉग जिसे पिछले रात में उस क्रीचर ने काटा था जो कि अधमरे हालत में था, वो अचानक से बिल्कुल सही होता है और देखते ही देखते इस रिसर्च सेंटर से वो भागने लगता है, यानी कि अब ये डॉग इन्फेक्टेड है। वो डॉग भागने लगता है और लार्स हेलीकॉप्टर में बैठ के उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब डॉग मरता है या नहीं या आगे क्या होता है, इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। दोस्तों पार्ट 2 इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि वो ओरिजिनल पार्ट है जो 1982 में बनाया गया था, तो उसे भी जरूर देखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।